गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम योर इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास फोर्थ. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव रीड चैप्टर नंबर 3 एंड एक्सप्लेन्ड इट. नाउ इट्स द टाइम टू डू द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ फर्स्ट हार्ड वर्ड इज डिफेक्ट. डिफेक्ट मतलब किसी चीज़ की कमी होना. एनेक्शियसली मतलब वरिडली. वरिडली मतलब परेशान, परेशान होना, परेशान, परेशानी में. ठीक है. फॉन्ड, फॉन्ड मतलब प्यारी. मुझे ये, जैसे इसमें लिखा है ना, आई एम फॉन्ड ऑफ पिकल स्वीट्स एंड मुझे ये सब अच्छे लगते हैं. मतलब जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें दिल के, मतलब सिर्फ अच्छा लगता है. ठीक है. रिडिक्यूलेटेड, रिडिक्यूलेटेड मतलब बकवास, बहुत ही ज़्यादा बेहुदा. उसे लगा एक्सेस रिडिक्यूलेट रवि. एक्सेस, वो हंसा, मतलब उसको मजाकिया सा लगा कि एक्सेस, इसके लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है. इसका ऐसा एक्सप्रेशन था. हेल मतलब नरक, ये मैंने कल भी बताया था आपको. सफरिंग, सफरिंग मतलब तड़पना, उस चीज़ से जूझना, सफ़र करना उस चीज़ से. सफिशियंट, सफिशियंट मतलब पर्याप्त, किसी चीज़ की प्रॉपर अमाउंट होना. सफिशियंट, इट इज़ सफिशियंट फ्रॉम मी, इतना मेरे लिए काफ़ी है. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. एक्सक्रीट, एक्सक्रीट मतलब निकालना. वाटर हैव एक्सक्रीट द वेस्ट फ्रॉम आर बॉडी. वाटर जो है हमारे वेस्ट को निकालने के लिए में मदद करता है. ठीक है. टर्न्स एंड स्ट्रेंथेंस, स्ट्रेंथेस और टर्न्स दोनों का मतलब एक ही है, जो कि क्या है, मजबूती देना, मजबूती प्रदान करना. ओपिनियन मतलब सलाह, राय. क्या आपकी, व्हाट्स योर सलाह, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट मी, तुम्हारी क्या सलाह है, तुम्हारी क्या राय है मेरे लिए. हैम्पर मतलब ख़राब कर देना, बेकार कर देना किसी चीज़ को. हैम्पर योर हेल्थ, तुम्हारी हेल्थ को बेकार कर देगी. पोलाइटली, पोलाइटली मतलब प्यार से, आराम से, साधारण पे. प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन मतलब पर्चा, जो भी उन्होंने उसके लिए रखा होगा रवि के लिए, वो प्रिस्क्रिप्शन यू हैव टू फॉलो. नाउ कम टू द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. सफरिंग मैंने बताया, पेन एंड डिस्ट्रेस. स्पेशलिस्ट मतलब जो कि एक, वो इंसान जो किसी एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो. जैसे डाइटिशियन, अलग अलग डॉक्टर्स क्यों होते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट होते हैं. क्यों? बिकॉज वो अपनी चीज़ में स्पेशलिस्ट है, स्पेशल है, तो इसीलिए स्पेशलिस्ट. एस्टोनिश मतलब किसी चीज़ को सरप्राइजिंगली. मैं इसमें से नहीं करा रही हूँ क्योंकि इसमें इंग्लिश में दे रखा है, आई एम, मैं हिंदी में ही बता रही हूँ आपको. मर्मण मतलब जो हम धीरे धीरे बात करते हैं, जैसे इसका सिनोनिम मतलब पर्यायवाची होगा विस्पर्ड, कभी कभी यूज होता है मर्मण कि तुम देखो ऐसे मत करो. ऐसे मैंने अभी इस वॉइस में बोला, इस चीज़ को क्या कहते हैं, मर्मण. तो उसके पेरेंट्स ऐसे बोल रहे थे, मतलब परेशान हो रहे थे. इनसफिशियंट, सफिशियंट मतलब क्या बताया था मैंने, पर्याप्त, एक प्रॉपर, एनफ. लेकिन इनसफिशिएंट मतलब इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, नॉट प्रॉपर, इम्प्रॉपर. ठीक है. न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस मतलब पूरे पोषण से भरपूर, नरिशिंग. डाइट, वे ऑफ फीडिंग, हम क्या कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये सब. सफिशिएंट एनफ. ठीक है. एक्सक्रीट, एक्सपेल फ्रॉम बॉडी, बॉडी से निकालना. प्रिस्क्रिप्शन, फिजिशियंस रेसिपी, मतलब जो पर्चे पे लिखते हैं डॉक्टर्स, वही उन्होंने, डॉक्टर ने, डाइटिशियन ने किसको कर दिया, रवि और रवि के पेरेंट्स को. ये तो थे आपके वर्ड फ्रेजर. अब आपको ये वर्ड फ्रेजर लर्न करने हैं और फिर से ये चैप्टर रीड करना है. कोई प्रॉब्लम हो तो गूगल है आपका, अदरवाइज़ इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से देखना है और पुरानी वीडियो से भी रिविज़न करना है. Now, after this, you have to do the question answer and exercises of this chapter in your fair copy through the 7 day जो आपको सैटरडे को मिला होगा, या अगर उसमें इसके आंसर्स नहीं है, इट्स ओके, आगे मिल जाएगा.
तो आप उसमें से फेयर कॉपी में लिख देंगे और आप अपने वर्ड्स में भी आंसर्स को लिख सकते हैं कॉपी में। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।